पर कल हम सब लोग इकट्ठे हुए, यहाँ देखा कि गंदगी बहुत है, कूड़े का कूड़ा, पेड़ पौधे जंगली बहुत खड़े हुए हैं। इस गंदगी को देख करके हम सब लोगों ने, ब्राह्मण युवा वाहिनी ने ये बीड़ा उठाया कि इस समय जो है स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, इसलिए इस अभियान के साथ ही हम लोग भी शमशान भूमि की सफाई करें। आज सुबह 5 बजे से ही हम लोग 10-12 लोग जो है युवा वाहिनी के लगे हुए हैं और इसकी पूरी सफाई करके ही छोड़ेंगे। धन्यवाद। कल हमारे समाज के सतीश पांडे जी के बेटी की मृत्यु हो गई थी, जिसमें सब लोगों का आना हुआ। यहाँ आकर देखा तो बहुत ज्यादा गंदगी थी, यहाँ पर बहुत बनीले पेड़ पौधे झाड़ियाँ खड़ी हुई थी। उसी समय हमारी संगठन ब्राह्मण युवा वाहिनी के अध्यक्ष श्री हरीश शर्मा जी के नेतृत्व में इस चीज पर मंथन हुआ कि यही शमशान नहीं, मीरगंज के सारे शमशान और मीरगंज की हर वो जगह जो सामाजिक है, जहाँ गंदगी है, उसकी सफाई का बीड़ा उठाया। और इसका एक नाम भी दिया है हमने, एक पहल करके हमने इसकी शुरुआत की है। उसका मकसद है मेरा मीरगंज स्वच्छ मीरगंज। मीरगंज में हम लोग कहीं पर भी अब किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं रहने देंगे। हर जगह सुबह हमारा 10-12 लोग हम आए हैं, कल 20-30 होंगे, परसों 50-40 होंगे। सब लोग मिलके इस काम पे लग के मीरगंज को, मेरा मीरगंज स्वच्छ मीरगंज की तरफ साफ कर देंगे।